हाँ जी ये वाली पड़ी है, एसर की एलईडी है, 2022 मॉडल है, बॉर्डरलेस है। ठीक है ठीक है जी, इसमें एचडीएमआई पोर्ट है, डीपी पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, 75 हर्ट्ज। लो जी, ये हम गिवअवे करने वाले हैं, और पार्टिसिपेट करने का तरीका कार ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है, जिसकी वजह से आप ये 22 इंच की एलसीडी जिसकी मालियत तकरीबन 14 से 15 हजार है तो आप इसको जीत सकते हैं। आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और साथ में आपने कमेंट में कमेंट लाजमी करना ताकि वहां से पिकअप कर सके कौन विनर एलसीडी का। 22। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन, यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड मेरे सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की वीडियो में मौसम भाई के पास आ चुके हैं, उनके पास डिफरेंट एलईडीज मौजूद है जिसकी आपको बताते हैं क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स है, और आपको ये कितने तक की मिल सकती है। मीन्स का स्पेक्स से मुराद ये है कि इसके अंदर आपको कितनी पोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं, और कितने हर्ट्ज की एलसीडी है, रेजोल्यूशन क्या है, और आपको ये कितने तक की मिल सकती है। इसके अंदर हमारे पास एसर हो गया, डेल हो गया, एचपी हो गया, लिनोवो हो गया, सूस हो गया, सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बॉर्डरलेस भी हैं और स्क्रीन वाले भी हमारे पास, बगैर बॉर्डर के भी हमारे पास अवेलेबल हैं, सारी बॉर्डरलेस जिसे कहते हैं। तो आपको बताते हैं मौसम भाई के इनकी क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स, और बेसिकली ये सारे गेमिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑफिस वर्क में इस्तेमाल हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हम गिव अवे करने वाले हैं एक एलसीडी, जिसके बारे में आपको बताएंगे कौन सी एलसीडी, और मैं बताऊंगा तरीकाकार क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो अहमद भाई गिवे वाली एलसीडी का मैं बता देता हूँ और तरीका हाँ, आपने बता देना। हाँ जी, ये वाली पड़ी है, एसर की एलईडी है, 2022 मॉडल है, बॉर्डरलेस है। ठीक है ठीक है जी, इसमें एचडीएमआई पोर्ट है, डीपी पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, 75 हर्ट्ज। लो जी, ये हम गिवअवे करने वाले हैं, और पार्टिसिपेट करने का तरीका कार ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है, जिसकी वजह से आप ये 22 इंच की एलसीडी जिसकी मालियत तकरीबन 14 से 15 हजार है तो आप इसको जीत सकते हैं। आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और साथ में आपने कमेंट में कमेंट लाजमी करना ताकि वहां से पिकअप कर सके कौन विनर एलसीडी का। 22 इंच की एलईडी बॉर्डरलेस आपको गिवअवे करेंगे। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप बताते हैं प्राइजेस क्या है। जी भाई जी भाई, सबसे पहले तो बताते हैं 24 इंच में बॉर्डर वाली एलईडी आईपीएस में है, डेल की है, 2021-20 की मैन्युफैक्चर है, और इसमें पोर्ट है वीजी और डीपी पोर्ट है, आईपीएस पैनल है, एलईडी है, 1080p रेजोल्यूशन है, ये आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 9500 में। ठीक हो गया, स्टैंड के साथ है। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाती है 24 इंच की अल्ट्रा शार्प मॉडल। ये होते हैं अल्ट्रा शार्प, यानी कि इनका जो रिजल्ट ग्रो होता है वो बहुत टॉप का होता है। इसकी रेजोल्यूशन है 1920x1200, अल्ट्रा एचडी इसको बोलते हैं, 1920x1200। आईपीएस पैनल है, और इसमें जो पोर्ट्स हैं वो वीजीए, डीवीआई और डीपी पोर्ट्स हैं, और इसके हर्ट्ज जो है वो 60 हर्ट्ज है। ठीक हो गया भाई, प्राइस बता दी इसकी आपने? ये हमें भाई मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 10500। ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ 10। इसके बाद आ जाते हैं बॉर्डरलेस में, हमें बॉर्डरलेस में ये पड़ी है मेरे पास, एसर की भी पड़ी है, लिनोवो एचपी डेल 22 इंच में, हर साइज पड़ा है 22 इंच में, यानी कि हर कंपनी बढ़िया बॉर्डरलेस, सबसे छोटा जो बॉर्डरलेस होता है वो होता है 22 इंच में। ठीक हो गया, ये मिल जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ 13500 में। ठीक हो गया, फाइनल प्राइस जो है वो इस बार बताएंगे 22 इंच की 13500 में, डेल एचपी एसर लिनोवो सेम प्राइस में, जो मर्जी ले लें सेम प्राइस होगी, जिसमें प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा। और ये जो लिनोवो और एचपी और डेल की है वो 60 हर्ट्ज में, एसर वाली जो है ये 75 हर्ट्ज में मिल जाएगी आपको, प्राइस सेम रहेगी क्योंकि हमें भी सेम प्राइस में लगी है। उसके बाद आ जाती है हमें भाई 24 इंच, 24 इंच में आ जाता है, सबसे पहले तो ये वाला मॉडल दिखाता हूँ। ठीक है, ये 24 इंच का मॉडल है हमें भाई, 60 हर्ट्ज है, एचडीएमआई डीपी वीजीए के साथ। कस्टमर की डिमांड आती है भाई हमें को लेटेस्ट तरीन मॉडल दिखाया जाए, जिसमें हमें चीज को मतलब कि चेक किए बगैर ही सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मॉडल लेटेस्ट है। ये 2022 की मैन्युफैक्चर में मेरे पास डेल का बॉर्डरलेस मॉडल अवेलेबल। ठीक है, इसकी प्राइस क्या होगी भाई? भाई ये 20 से 22 हजार की रेंज में होगा। ठीक है, उसके बाद हमें भाई आ जाते हैं बॉर्डरलेस टच स्क्रीन में, बॉर्डरलेस प्लस टच स्क्रीन में, टच स्क्रीन में, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी भाई टच वाले तो आप पहले भी दिखाते हैं, लेकिन कोई एंटीक सी चीज हो जिसमें बॉर्डरलेस आ जाता है या कोई और कर्व में आ जाते हैं, तो फिलहाल मेरे पास बॉर्डरलेस टच स्क्रीन में पड़ा है 24 इंच एचडीएमआई डीपी वीजीए पोर्ट के साथ। कोई सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा? डायरेक्ट टच है इसका, मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर। इसमें सिर्फ प्रिंटर पोर्ट वाली जो प्रिंटर केबल होती है ना, प्रिंटर में लगती है, वो वाली इसको लगानी, इसका टच नॉर्मली ऑपरेट हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर लेगा तो उसको पहले तरीकेकार से चला के भी वीडियो कॉल पे चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बाकी इसके अलावा? इसके अलावा हमें भाई आ जाती है फिर 1080 में ना, ये जो मॉडल हमें भाई रखे हैं ये नॉर्मल मतलब के एंटीक जिनके कह लें के मखसूस मॉडल हैं। हाँ जी, बाकी पड़े हर तरह के होते हैं मेरे पास, 24 इंच डेल एचपी हर तरह ब्रांड में पड़े हैं, 22 इंच में पड़े, 24 में दिखाए इसलिए जाते हैं कि वीडियो शॉर्ट हो, लंबी ना हो। कस्टमर कहते हैं यार आपने वीडियो में दो चीजें दिखाई हैं, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि हर तरह की चीज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमें भाई आ जाते हैं 1080 से ऊपर आ जाते हैं बॉर्डरलेस में 2K।
2K में भी बड़ा लेनोवो में सी टाइप 24 इंच में, इसमें सी टाइप पोर्ट भी है, मतलब जो ओरिजिनल 2K डिस्प्ले देगी। मेरे पास सैमसंग में पड़ा है, उसके बाद वो भी दिखाते हैं। ये 2021-22 मैन्युफैक्चर है, ठीक हो गया। लेटेस्ट मॉडल है, 10 ऑफ 10 कंडीशन में ये मेरे पास 22 इंच बॉटल स्टैंड 360 है भाई, ओरिजिनल स्टैंड है। अच्छा जी, चलिए। इसकी प्राइस ये है भाई, जो इस तरह के मॉडल होंगे ना वो ऑन डिमांड ही इनकी प्राइस बताई जाएगी, क्योंकि इनके अप डाउन ज्यादा हो रही है आजकल। अच्छा जी, तो इसलिए वो कंफर्म नहीं बताते, कस्टमर 99% फिक्स ही कर लेता है कि मैंने मतलब बताया ना कि 10,000 से 15,000 रेंज है, तो कस्टमर की मतलब होता है कि 10,000 वाला ही हमें ये चाहिए, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, तो इसलिए इनकी प्राइस जो होगी वो ऑन डिमांड बताई जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद अहमद भाई ये आ जाता है बॉर्डरलेस में, सी टाइप पोर्ट सेम 2K 24 इंच सैमसंग में, टच पहले लिनोवो में था, अभी इसका पैनल टच है, टच पैनल है, टच पैनल में पहले लिनोवो में था, अभी ये सैमसंग में, इसमें भी सी टाइप पोर्ट है और इसका भी स्टैंड आपको मिल जाएगा साथ में। लेकिन इसकी सी टाइप जो है या उसकी सी टाइप में फर्क ये है कि इसका डायरेक्ट मोबाइल डिस्प्ले भी आ जाएगा। अच्छा, सी टू सी केबल लगाएं, सी टाइप से सी टाइप, या एप्पल की केबल लगा लें, या जो भी लगाना चाहते हैं, इसका डिस्प्ले मोबाइल का आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा जी, मोबाइल से शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ जी, मोबाइल शेयर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। प्राइस इसकी थोड़ा बहुत आइडिया दें। नहीं हमें भाई, क्योंकि पिछली बार दी थी तो कस्टमर, अभी कुछ अप डाउन हुई है, तो इंशाल्लाह प्राइस अच्छी होगी, ये वादा रहा हमारा। अच्छा, किसी चीज से इंशाल्लाह हमारा इंक्वायरी नहीं, कस्टमर मशकूक हो जाते हैं वैसे। चले खैर, चले चले बता ही देते हैं आपको, रफ सा आइडिया देते हैं भाई, 25-28 लिनोवो का होगा। अच्छा जी, 25 से 28 तक, और ये जो है ये 30 में, 30 से ऊपर नीचे होगी। चले ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 30 से ऊपर नीचे होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमें भाई आ जाती है 27 इंच बॉर्डर वाली IPS पैनल में, मेरे पास इसमें सैमसंग पड़ी है, HP पड़ी है, डेल पड़ी है, लिनोवो पड़ी है, एसर भी पड़ी है इसमें, ठीक है। 27 इंच IPS पैनल है और ये बॉर्डर वाली है, 1080 रेजोल्यूशन है, इसमें तीनों पोर्ट्स हैं VGA DVI, ठीक हो गया भाई। ठीक है जी, और इसका इसका है भाई 16,000। अच्छा रे, ये प्लस 27 इंच में, 27 इंच में। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद है भाई, नेक्स्ट आ जाती है 27 इंच बॉर्डरलेस। अच्छा जी, बॉर्डरलेस 27 इंच मेरे पास पड़ी है, HP की पड़ी है, एसर की पड़ी है, और फिलहाल डेल की पड़ी है। जो मखसूस पड़ी है, हमारी कोशिश रियलिटी पे होती है कि जो चीज पड़ी है वही बताई जाए, ना कि दिखावे के लिए बताई जाए। ठीक हो गया, इसकी ये है भाई 1080 रेजोल्यूशन है, 75 Hz है, इसमें डबल HDMI पोर्ट है। समटाइम कस्टमर की डिमांड होती है कि डबल HDMI में, इसकी डबल HDMI पोर्ट है, ये वाली मिल जाएगी बॉर्डरलेस। और प्राइस इसकी ये है भाई 33 के राउंड फिगर, 2K 4K 1080 में, और 144 है जी। ये हमें भाई 75 है, ओवरक्लॉक 90 हो जाती है। और एक और कस्टमर को बात बताना चाहता हूँ, इसकी प्राइस सर इतनी ज्यादा क्यों है? हमें भाई ये बेसिक जो इसका इस्तेमाल है ना, वो एंटीक मतलब वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले आ जाते हैं, और ये निकलते भी अभी कम है। अच्छा, जो चीज मतलब कि शॉर्ट होती है पाकिस्तान में, मोस्टली उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट, बाकी इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में देंगे। एक और अहमद भाई बात छोटी सी करना चाहता हूँ, करनी तो पहले चाहिए थी भाई, जो इसकी स्पेसिफिकेशन हम आपको मॉडल में बताते हैं ना, अगर वो ना हो, मींस के मैं आपको बता रहा हूँ 75 Hz, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन में वो शो नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हूँ मैं। अगर आप ले जाते हैं मेरे से, आपके पास नहीं चल रहे, तो उसकी जिम्मेदारी तो मुझे बनती है। हाँ जी, कस्टमर समटाइम इस तरह करते हैं कि बहस करते हैं कि भाई आपने कहा है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी है, इसकी स्पेसिफिकेशन या डिटेल में 75 Hz आएगा तो हम देंगे आपको, अदरवाइज नहीं आएगा तो नहीं देंगे। अभी आपके PC में कोई मसला है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होते। ठीक है, बात का वो पीछे नहीं सपोर्ट करता। हाँ जी, तो कस्टमर कहता है कि आपने हमें लूट लिया या हमसे फ्रॉड कर लिया, ऐसे नहीं होता भाई जान। इसकी मॉडल में चेंजिंग तो नहीं ना आ रही। देखिए, मैं एक मॉडल बता रहा हूँ, उसके 144 है, अभी आपके पास 120 चल रहे हैं, तो इसमें मैं कसूरवार नहीं हूँ। हाँ, मॉडल पे 120 आ रहे हैं और मैं आपको 144 कह के दे रहा हूँ, उसके जिम्मेदार होते हैं। चलें ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमें भाई 27 इंच में 2K आ जाती है बॉर्डर वाली, 75 Hz में, इसमें VGA पोर्ट भी होती है, इसमें DP होती है, DVI होती है, और डबल HDMI पोर्ट है इसमें, इसकी मल्टीमीडिया साउंड के साथ है। ये हमें भाई 30,000। ठीक है, और इसके बाद हमें भाई आ जाती है, मेरे पास पड़ी है 4K में, कस्टमर की डिमांड 4K की भी थी, तो ओरिजिनल सैमसंग 4K में पड़ गया हमें। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी 28 इंच डिस्प्ले में, इसमें डबल HDMI, डबल DP और मे भी मल्टीमीडिया, नहीं हेडफोन की ऑप्शन है, वो आउट निकलेगा, इन नहीं होगी इसके साथ। अच्छा जी, तो ये आपको बहुत मुनासिब प्राइस में देंगे, इसकी प्राइस ऑन डिमांड बता देंगे। चले सही हो गया। लास्ट में हमें भाई सबसे जो एंटीक चीज पड़ी है, वो शायद कस्टमर भी देख ही रहे हो कि इसका नहीं बताया, ये पड़ी है मेरे पास 32 इंच 144 Hz। कस्टमर की काफी डिमांड है कि भाई 27 में तो पड़ी है लेकिन हमें बड़ा साइज चाहिए, 32 इंच 144 Hz, डबल ग्लास है, स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल ग्लास लगा है इसके। ठीक है, और ये बहुत मुनासिब प्राइस में आपको देंगे इंशाल्लाह। 4K 1080 में 144 और हर
एक किस्म की पोर्ट भी है और मल्टीमीडिया भी है, मीन्स के डीपी एचडीएमआई वीजीए और है भी 220। आखिरी सवाल है डिलीवरी का तरीका सर, क्या वारंटी किस चीज की, जल्दी से कवर करना है एक मिनट। वारंटी हमें भाई ओपन रिपेयर खुले की होगी, डिलीवरी का तरीकाकार वही हमारा पुराने वाला है कि पैसे पहले एडवांस होंगे बाद में चीज भेजी जाएगी। अगर चीज मॉडल के हिसाब से मैं गलत भेजू उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई जी। ये देखा आपने कि मोहसिन भाई ने आपको डिफरेंट एलसीडीज की प्राइस बताई, स्पेसिफिक बताई। अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगती है और आप इनसे बाय करना चाहते हैं तो इनका व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, रब्ता करके बाय कर सकते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया गिवअवे में तो लाजमी पार्टिसिपेट करें, और तब तक के लिए हमें नहीं इजाजत मिलते हैं स्टूडियो में। अल्लाह हाफिज़।